और अब सीधे आपको लिए चलते हैं ग्वालियर, जहां पहुंचे हुए हैं डॉक्टर मोहन यादव। लाया हूं इंदौर से तुलसीराम सिलावड़ की जोरदार अभिनंदन तुलसीराम जी के लिए, भाजपा के जिलाध्यक्ष अजय चौधरी जी, कौशल शर्मा जी, दोनों जिलाध्यक्ष। इस अवसर पर हमारे अभी अभी भारत सिंह जी ने ग्वालियर में परचम लहराया, माननीय सांसद ग्वालियर भारत सिंह कुशवाहा जी, जोरदार तालियां कुशवाहा जी के लिए भी। मनोज तोमर जी, आशीष अग्रवाल जी, जय सिंह कुशवाहा जी, मुन्नालाल गोयल जी, विनोद जी, विनोद शर्मा जी, राजू पवैया जी, दीपक जी, महेंद्र सिंह जी, कृपाल सिंह जी, सभी मित्रों के साथ पूरे मंच का अभिनंदन एक बार जोरदार ताली बजा करके सभी के लिए। रहीम जी का बहुत अच्छा दोहा है, रही मन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानस चूर। ये पानी की जो महिमा है 300-400 साल पहले रहीम जी ने भी गाई, और हमारे यहां की तो देश की परंपरा ऐसी है कि पानी की बात को समझते समझते बात अपने उनके कुलवंश की भले होगी भागीरथ जी से, लेकिन अपनी इच्छा शक्ति से इस पृथ्वी के मनुष्य नाम के प्राणी ने भगवान को मजबूर करके गंगा जी का अवतरण पृथ्वी पे करा लिया। यह हमारे सनातन संस्कृति का ऐतिहासिक बहुत बड़ा प्रमाण है। कोई कल्पना कर सकता कि स्वर्ग की नदी अपनी इस पृथ्वी पे अवतरित हो जाए, और अवतरित होने के लिए उनका वेग जो माना गया कि भगवान महाकाल ने अपने शीश पे धारण करके जल की महत्ता क्या यह सबको बताने का प्रयास किया। और हम जिस क्षेत्र में निवास करते हैं ये तो गंगा बेसिन है, यहां की कोई भी नदी कहीं से भी अपनी यात्रा प्रारंभ करेगी, अंततः जैसे छिपरा जी उज्जैन से चलेगी, आगे जाकर चंबल में मिलेगी, चंबल जमुना जी में आएगी, जमुना जी से गंगा सागर। अब कहां हमारी गंगा जी उत्तर के उस विशाल एवरेस्ट की चोटी पर वहां से प्रारंभ करती कैलाश से अपनी यात्रा, और कहां जाती है गंगा सागर। तो अर्थात जैसे ये शरीर की धमनियां अपने रक्त की प्रवाह से हमको जीवन प्रदान करती, ऐसे ये पवित्र नदियां हमको जीवन के माध्यम से पृथ्वी की जीवंतता का परिचय दिलाती है। पृथ्वी माता के लिए ये उसी प्रकार से काम करती है जैसे हमारे शरीर की धमनियां रक्त प्रवाह करती है। और ये सभी जल रचनाएं हमारे शरीर के अंदर भी, जैसे इसके लिए वैदिक एक श्लोक है, यत् पिंडे तत् ब्रह्मांडे, जैसा पिंड होता है वैसा ही ब्रह्मांड होता है। किसी को ब्रह्मांड समझना है तो केवल अपने शरीर के पिंड को समझ ले, अपने पिंड के अंदर अर्थात अपने शरीर के अंदर जल तत्व भी है, आकाश तत्व भी है, पृथ्वी तत्व भी है, पांचों तत्व का ये बना हुआ पुतला अपने आभा कीर्ति जब तक आपके शरीर में जीवन है ऐसे ही ये जीवंतता के साथ प्रकृति से तालमेल करता है। और यही कारण है कि हमारे शरीर के अंदर भी अमावस पूर्णिमा के दिन जब समुद्र भी अपनी सीमा छोड़ करके ज्वार भाटा लाता है, चंद्रमा नजदीक आता है, ऐसे ही शरीर के अंदर भी मानसिक चिकित्सालय में अधिकांश लोगों को जो फिट आते हैं उनके दौरे आते हैं वो अमावस और पूर्णिमा पे ही आते हैं, क्योंकि शरीर के अंदर का 70% जल तनाव मारता है, वो तनाव सिर पे आता है, मस्तिष्क में आता है। तो एक सामान्य रोगी होता है, एक मानसिक रोगी होता है, जिसका पूरा शरीर तो अच्छा है लेकिन वो मानसिक रूप से जो बीमार होता जिसको हल्की भाषा में हम पागलपन कहते हैं। जल की इतनी महत्ता है कि अलग अलग प्रकार से हर युग में इसके लिए गाया गया। मुझे इस बात की प्रसन्नता है हमने पर्यावरण दिवस पे प्रारंभ किया, लेकिन जोरदार ताली बजाएं माननीय नरेंद्र मोदी जी के लिए, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के लिए। हमने जब राज्य संचालन के सूत्र हाथ में लिए तो हमको लगा कि आदर्श क्या हो सकता है, तो हमको ध्यान में आया कि मोदी जी ने मुख्यमंत्री बनने के बाद उनके गुजरात प्रदेश में सारी जल संरचनाओं का, पुरानी बावड़ी, तालाब, पोखर,
नदी के घाट, सारे के सारे स्थान जिनसे जल रचनाएं जुड़ी हुई है। हमने भी अपने प्रदेश के अंदर 5 जून को बजाय कर्मकांड करने के, 5 जून से लगा करके गंगा दशमी तक, मैंने प्रारंभ में बताया गंगा जी का क्या महत्व है। कल गंगा दशमी है, बोलो गंगा मैया की। कल का दिन हम इतना पवित्र है और पूरे प्रदेश में, इसलिए हमने जल गंगा अभियान की शुरुआत की। और आज सागर ताल के बारे में बताया गया, 1000 साल का पुराना इतिहास, और माननीय महाराज साहब माधवराव साहब ने इसके लिए उनके पशु मेले की शुरुआत करी थी इसी तालाब के आसपास। और तालाब की जो रचना है वो रचना भी 50,000 लोगों को बैठने की क्षमता, इतनी आज से 1905 की बात, कहां 1905 या 2024 है, 115 साल पहले। आज हमने स्टेडियम का भी लोकार्पण किया स्वर्गीय माधवराव जी के लिए, जोरदार तालियां बजाओ, इतने निर्माण कार्य थे। आज ये जो आंकड़े बता रहे थे वो आंकड़े कोई 200 करोड़ के बताए आप, थोड़ी कंजूसी करो, इसको डबल करो, 388 करोड़ के लोकार्पण भूमि पूजन आज हो रहा है, 180 करोड़ का तो स्टेडियम, ये जोरदार ताली बजाओ, हमारे अपने आज नई एक सौगात मिली है ग्वालियर के अंदर। और ये वर्तमान में बच्चों के खेलने के लिए क्रिकेट, ये आज का देश का गौरव बन चुका है। और क्रिकेट का स्टेडियम जो बताया कि एमपीसीए के माध्यम से एकमात्र राज्य है जहां दो दो स्टेडियम है, इंदौर भी और ग्वालियर भी। ये केवल खेल का मैदान नहीं है, ये हमारे लिए गर्व और गौरव की निशानी है, ग्वालियर की गौरव की निशानी। जैसे सागर तालाब अपनी अलग विरासत लेके चल रहा है, 31 साल पहले भगवान सिंह जी के समय इसका जीर्णोद्वार हुआ था, मुझे बताया गया। और बाद में हमारे अपने, चाहे वो विसर्जन करने के नवरात्रि के भगवान के विग्रह होंगे या करबला के समय के ताजिए होंगे, अब एक बात जरूर ध्यान रखना, इसका जीर्णोद्वार कर रहे हैं, 2 करोड़ से ऊपर की कुछ राशि भी हमारी सरकार ने मंजूर की है।